बच्चों, कैसे हो आप सब। और आज हम करेंगे सोशल स्टडी क्लास 5th का लेसन नंबर 9, सॉरी लेसन नंबर 8। ये आपका ये जो लेसन है, टेम्परेट ग्रासलैंड्स, इसकी हम एक्सरसाइज विद क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक्सरसाइज पे चलते हैं फटाफट। सबसे पहले एक्सरसाइज देख लेते हैं। टेम्परेट जोन हैज़ मॉडरेट क्लाइमेट, उसके बाद ग्रासलैंड में कंसिस्ट ऑफ, सॉरी टेम्परेट, ये क्या आएगा इसमें, ग्रासलैंड, ठीक है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया राउंड में क्या मिलते हैं, कैंगरू, उसके बाद इसमें आएगा प्रेरीज, ठीक है। और इसमें देखिए द टेम्परेट इसमें आर मेनली लोकेटेड इन, कहाँ पे टेम्परेट जोन में लोकेटेड है। फार्मर्स क्या यूज़ करते हैं, मशीन्स यूज़ करते हैं। एवरेज साइज़ क्या है, थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर्स, बहुत बड़े बड़े फार्म्स हैं तो थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर्स के फार्म्स होते हैं। गोल्ड एंड कहाँ पाई जाती है, ग्रास लैंड है ये, वेल्स वहाँ पे, कहाँ पे था ये, साउथ साउथ सदर्न अफ्रीका में, ठीक है। इसके बाद मैचिंग पे आ जाते हैं। तो देखिए ये फर्स्ट का होगा डी और सेकंड का होगा ए, ये इस तरीके से आप कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो आंसर नंबर 1 है आपका पेज नंबर 48 पे, ये देखिए लास्ट में, लेसन के लास्ट में आपका आंसर है। तो आप यहाँ से लिखेंगे फार्मर्स ओन मैनी एफिशिएंट मशीन्स टू हेल्प देम कल्टीवेट देयर वास्ट फार्म्स, उसमें यही पूछा गया कि वो क्यों करते हैं। फिर आप उसी के आगे लिखेंगे प्लोइंग सोइंग हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग, सॉरी आप यहाँ पे थ्रेसिंग नहीं लगाना, यहाँ कॉमा लगाना, ये मैंने करना भूल गई हूँ। तो आप यहाँ पे कॉमा लगाना और यहाँ लगाना एंड स्टोरिंग ऑफ फ्रूट फूड ग्रेन्स इन द सिलर्स इज ऑल्सो डन बाय मशीन्स, ठीक है। फिर यहाँ से ओनली अ फ्यू, यहाँ से यहाँ, ये आपका हो गया आंसर नंबर 1। लेट्स गो टू द आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 2 आपको क्वेश्चन में से लिखना है द मेन, सॉरी द इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज फाउंड इन द ग्रास लैंड्स आर। फिर आप आ जाइए वापस इसी पेज पे जहाँ पे आंसर नंबर 1 था, और यहाँ पे लिखेंगे आप नंबर 1 पे मिनरल माइंस, दूसरी है ओर एक्सट्रैक्ट फैक्ट्रीज, और तीसरी है ऑयल रिफाइनरीज, और चौथी है मीट पैकिंग इंडस्ट्री सो सेट, एंड पांचवी है गोल्ड एंड डायमंड माइंस, ठीक है। आंसर नंबर 3 पे चलते हैं। आंसर नंबर 3 में भी आपको क्वेश्चन में से लिखना है द एनिमल्स फाउंड इन डिफरेंट ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड आर। फिर पीछे चलेंगे, ये देखिए पेज नंबर 46 पे, ये देखिए आप ऐसे ही लिखना है, अफ्रीका हेडिंग डालेंगे और फिर ऐसे लिखेंगे, फिर ऑस्ट्रेलिया हेडिंग डालेंगे, लेकिन नंबर 1, नंबर 2, फिर नंबर 3 और फिर नेक्स्ट पेज पे ये और ये, ठीक है। और ये आप याद कर लेना, ठीक। आंसर नंबर 4 लिखेंगे आप टुडे, ये सब लिख के, और फिर क्या क्या प्रॉब्लम है, ओवर ग्रेजिंग, अर्बन डेवलपमेंट वहाँ पर हो रहा है इस वजह से, और एग्रीकल्चरल एनक्रोचमेंट हो रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, इकोसिस्टम में एक बैलेंस बना के रखना चाहिए। अगर पेड़ ज़्यादा हो जाएंगे तो भी गलत है, इंसान ज़्यादा हो जाएंगे तो भी गलत है, और जानवर ज़्यादा हो जाएंगे तो भी गलत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जानवरों को मार के खाने लग जाएं, या हम पेड़ों को काट काट के उन्हें जलाना शुरू कर दें, ठीक है। तो इसका एक सिस्टम होना चाहिए हमारे पास में, और यही हमारे लिए मेन इशू है, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू द आंसर नंबर 5। उसके बाद आपका आंसर नंबर 5 है, ये आपका पेज नंबर है 47। यहाँ पे देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, इन द प्रेरीज क्रॉप सच एज, ये सब कुछ ये लिखा हुआ है, ये आपको लिखना है। लेकिन आप इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहो लिख सकते हो, क्रॉप सच एज वीट बार्ले ये आर ग्रोन इन द प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, दिस एरिया इज ऑल्सो नोन एज द ग्रीनरी ऑफ द वर्ल्ड। यानी एक तरीका तो ये है जैसे ये लिखा हुआ है, और दूसरा तरीका मैंने आपको बोल के बता दिया, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू द आंसर नंबर 6। हेयर इज योर आंसर नंबर 6, दिस इज पेज नंबर 48। और ये देखिए ये रहा इसका आंसर, लॉन्ग अगो यूरोपियन सेटलर्स कन्वर्टेड द ग्रास लैंड इंटू फार्म लैंड। सो आपका चैप्टर हो गया, और इसको अच्छे से कर लीजिएगा, जो कुछ नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा, और पढ़ाई अच्छे से कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, गुड बाय, सॉरी बाय, फिर मिलेंगे।